आज आज हमने 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम यहाँ रखा था और अभी अभी ये कार्यक्रम खत्म हुआ है। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बड़ी खुशी की बात है। और इस कार्यक्रम में जो संदेश हम लोगों ने दिया वो सभी तक आप लोग पहुँचाएँ। ये कार्यक्रम जो है वो मतदाता को समर्पित है, वोटर, इंडियन वोटर, क्योंकि 25 जनवरी 1950 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, तो 2011 में ये डिसाइड हुआ कि इस दिन को हम वोटर्स को समर्पित करते हैं। और अब 25 जनवरी का दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 2011 में पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था और आज ये हमने 12वां मतदाता दिवस मनाया है। और इस बार जो थीम रखा है, हर साल एक नया थीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से असाइन किया जाता है NBD को, तो इस बार का जो थीम है वो है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो हम हमारे यहाँ सभी जिला अधिकारियों ने जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं और हमारे आइकॉन्स ने और दूसरे अफसरों ने आज शिरकत करी, आप सब लोग भी आए। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो वोटर है, मतदाता है, वही लोकतंत्र का केंद्र होता है। लोकतंत्र उसी के भले के लिए होता है और उसी की हिस्सेदारी के लिए होता है। इसलिए मतदाता को जागरूक करना, मतदाता को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना और उसकी मदद करना, उसको फैसिलिटेट करना और उसका सशक्तिकरण करना, यानी उसका एम्पावर करना, यही हम लोगों का प्रयत्न है। और हम इस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो थीम दिया है कि इलेक्शन को इंक्लूसिव और एक्सेसिबल और पार्टिसिपेटिव बनाने के लिए, उस दिशा में हम पूरी मेहनत करेंगे और आगे से आगे हम अपने मतदाताओं को सशक्त करते रहेंगे। तो मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक तो सबको बधाई देता हूँ, सभी मतदाताओं को बधाई देता हूँ। दूसरा, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने मोबाइल ऐप पे वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें। नंबर 2, आप मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। अगर पहले जुड़वा चुके हैं पास में तो भी एक बार चेक करें, अगर नाम नहीं है तो फिर से जुड़वाएं। आपका नाम वोटर लिस्ट में जरूर होना चाहिए था। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी इलेक्शन होता है, हर इलेक्शन में अपने वोट का इस्तेमाल करें, सोच समझ कर इस्तेमाल करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालें, लेकिन वोट जरूर डालें हर इलेक्शन में। लोकेशन पॉलिसी को लेकर क्या अपडेट है और नगर निगम चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारी है? नहीं, नगर निगम चुनाव मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी 1 जनवरी 2022 तक 18 साल का हो चुका है, वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए, अपना नाम दर्ज कराएं, उसके लिए फॉर्म 6 भर के ऑनलाइन जमा कराएं। देखिए, वो युवा तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं, सबके पास स्मार्टफोन होता है, तो अपना वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है वो डाउनलोड करें और फॉर्म 6 भरें, साथ में आपका फ़ोटो, आपका रेजिडेंस प्रूफ और एज प्रूफ ये लगाएं, और 2-3 हफ्ते के अंदर आपको वोटर आईडी कार्ड आपके घर में पहुंच जाएगा। तो सभी युवा एक प्राउड वोटर बने और हर चुनाव में। स्कूल लेवल पर शुरू स्टार्ट किया गया था कि 18 साल के बच्चे स्कूल में हो जाएंगे, उनका वहीं पे बन जाया करेगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। नहीं, स्कूल में ज़्यादातर 18 साल की उम्र तक पहुंचते नहीं हैं बच्चे, स्कूल में 12वीं क्लास तक होते हैं। तो जनरली बहुत एक आध कोई स्टूडेंट ऐसे होते होंगे जो 18 साल के हो जाते हैं स्कूल में, तो वहाँ उनको हम फ्यूचर वोटर बोलते हैं। और हर हायर सेकेंडरी स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमने इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब स्थापित करा हुआ है, जिसके माध्यम से हम उनको जागरूक करते हैं। और कॉलेजेस में भी हमने इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब बनाए हुए हैं। तो कॉलेज में हम उनको न्यू वोटर ELC बोलते हैं और स्कूल में फ्यूचर वोटर ELC बोलते हैं।
उनको हम जागरूक करते हैं। कॉलेजेस में भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट बिना वोटर रजिस्ट्रेशन के ना रहे, तो सबका वोटर रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करवाएंगे। ठीक, थैंक यू।